हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं रियलमी नार्ट जो जो 50 मोबाइल है जो मैं कल से चला रहा हूँ। तो इसका परफॉर्मेंस कैसे है वही मैं बताऊँगा इस वीडियो में। आप देख सकते हो मेरा रियलमी नार्ट जो 50 का मोबाइल है जो मैंने ब्लैक मंगवाया था, तो 128 GB रिफ्रेश रेट के साथ ये आया है और 5000 mAh का बैटरी है और हेलियो G96 प्रोसेसर के साथ जो है ये मोबाइल है। लेकिन मुझे जो है अभी भी एंड्रॉयड 12 वर्सन इस पर नहीं मिला है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर वर्सन अवेलेबल नहीं है एंड रियलमी UI 2.0 के साथ है। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, ये रोल आउट हो रहा है, जल्दी से जल्दी जो है एंड्रॉयड 12 वर्सन जो है इसमें आ जाएगा। ऑलरेडी रियलमी ने रोल आउट कर दिया है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। मैंने कल से यूज़ कर रहा हूँ, बैटरी जो है इसका 33 वाट डार्ट चार्जर है जो बहुत जल्दी जो है मोबाइल को चार्ज कर दे रहा है। 1 घंटे के अंदर जो है मेरा फुल चार्ज हो गया है। 5000 mAh बैटरी जो है 1 घंटे के अंदर चार्ज होना बहुत ही बड़ी बात होता है, जो मुझे 10000 के अंदर जो है मुझे फ़ोन मिल गया था। और इसके साथ मुझे जो है एक जो एयरफोन है वो भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक से काम कर रहा है। आप देख सकते हो कोई भी लैग इशू मैंने अभी तक नहीं किया कोई भी। आप देख सकते हो मैंने बहुत सारा ऐप जो है ओपन किया लेकिन कोई भी रैम मैनेजमेंट का इशू नहीं आ रहा है। और एक बड़ी बात है कि इसमें कोई हीटिंग इशू नहीं आ रहा है। मैं कल से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं वीडियो भी अपलोड किया इस फ़ोन से, काफ़ी देर तक जो है कैमरे भी ऑन किया था लेकिन कोई भी हीटिंग इशू नहीं आ रहा है इस फ़ोन के अंदर, जो काफ़ी बड़ी बात होता है। और रियलमी का इससे पहले भी मैंने फ़ोन यूज़ किया था, जो जो रियलमी नार्ट जो 50A मोबाइल है उसमें मुझे ठीक ठाक नहीं लगा था, इसलिए मैंने वो फ़ोन जो है रिटर्न कर दिया था। लेकिन इसमें जो है सब कुछ ठीक ठाक है। इसमें जो कैमरा है इसके इस कैमरे के अंदर जो है मुझे फर्स्ट टाइम जो रियलमी नार्ट जो 50A मोबाइल मैंने ख़रीदा था तब इस कैमरे के अंदर जो है मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, क्योंकि इस कैमरे के अंदर इनबिल्ट जो माइक होता है वो सपोर्ट नहीं करता था। अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करोगे तो सपोर्ट नहीं करता था, इसके लिए आपको ओपन कैमरा ऐप जो है डाउनलोड कर लेना था। लेकिन इस मोबाइल के अंदर वो प्रॉब्लम जो है फिक्स कर दिया गया है, आपको ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आपको इस फ़ोन के अंदर फोन जो इनबिल्ट कैमरा है उसके साथ आप जो है आप एक्सटर्नल माइक के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और माइक का साउंड भी आएगा, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। मैंने चेक किया इसके साथ, मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी किया, वॉइस पर भी मुझे ठीक ठाक आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी बहुत क्विक है, बहुत जल्दी जल्दी जो है आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट सेंसर में भी कोई इशू नहीं है। मैंने 10000 में इस फ़ोन को ख़रीदा है, जो अमेजोन से मैंने इसे परचेस किया, इससे बढ़िया में आपको नहीं मिल सकता है। 10000 के अंदर G96 प्रोसेसर, उसके साथ आप देख सकते हो इतना बढ़िया डिज़ाइन है, MAH 5000 mAh का बैटरी है और एक ईयरफोन भी आपको मिला है, और क्या चाहिए भाई। तो फिर बहुत बढ़िया फ़ोन है। मैंने आशा नहीं किया था कि मुझे इतना अच्छा बढ़िया फ़ोन जो है 10000 के अंदर जो है मिल जाएगा। और इसका जो साउंड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया साउंड क्वालिटी है, लाउड भी है, तो फिर काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये फ़ोन। जो अगर आपको पसंद आया तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप अगर ख़रीदना चाहते हो तो फिर ज़रूर खरीद सकते हो। और अगर आपका इस फ़ोन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगा।